हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू जोमेट्री स्कूल डॉट इन, इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, इस बैच में जीरो टू हीरो बैच में मैं आपको कराती हूँ सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय RIMC स्कूल के एंट्रेंस लेवल के 9th क्लास और 6th क्लास के क्वेश्चन को भी जनरल साइंस के। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपने बैच में जनरल साइंस से फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अभी जो हमारी सीरीज चली हुई है वो है कम्बशन चैप्टर से। तो आज मैं आपके यहाँ पर दो टॉपिक और लेकर आई हूँ कम्बशन से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन 100% आने के चांस होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दूंगी जो आपको खुद से सॉल्व करना है आज के एक्सप्लेन किए गए टॉपिक से। तो चलिए वापस से चलते हैं हमारे बैच में जीरो थ्रू हीरो बैच। चलिए सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे इज द बेस्ट इंटरेस्ट। यस, जितना आप अपनी नॉलेज के लिए पे करते हो वो आपको सूट समेत बेस्ट इंटरेस्ट के साथ आप फ्यूचर में आपके पास आता है। इसलिए हम नॉलेज के लिए जो भी एक्सपेंस करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है फॉर द फ्यूचर इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इस हम मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का बैच। तो देखते हैं कम्बशन में जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो है फ्लेम। मैं आपको रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन के बारे में बता चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे कौन सा फ्यूल यहाँ पर फ्लेम जनरेट करता है, फ्लेम जनरेट होती है तो किस वजह से होती है। देखिए, फ्लेम बेसिकली होता क्या है, व्हेन समथिंग इज बर्नड अपवर्ड ल्यूमिनस गैस इमर्जेस आउट ऑफ द सब्सटेंस। जब भी कोई फ्यूल बर्न करता है तो उसमें से एक गैस इमर्ज आउट होती है बाहर, उस गैस को ही जो आपको एज अ फ्लेम नजर आता है उसे ही हम बोलते हैं फ्लेम। तो यहाँ कोई भी गैस जब बर्न होती है तो एक फ्लेम क्रिएट करती है, जैसे हम घर की गैस का कुकिंग गैस जो होती है जिसे हम LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका फुल फॉर्म है। जब आप इसे बर्न करते हो घर में तो आपको डिफरेंट शेड्स के फ्लेम नजर आते हैं, क्योंकि उस समय वो गैस वेपराइज हो रही होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस किस फ्यूल से आपको फ्लेम मिलता है, क्या रीजन है इसका, कौन सा फ्यूल है वो फ्यूल जो फ्लेम नहीं देता। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। कोई भी सब्सटेंस जब वेपराइज हो रहा होता है तो उसमें से निकलता है फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, राइस थ्रू वी कैन आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। जब भी आपका मोल्टन वैक्स जो कैंडल भी यूज होता है, साथ ही केरोसिन ऑयल, ये सब हमने बर्न करते हैं तो इनमें से फ्लेम जनरेट होती है, क्यों, ड्यू टू द वेपराइजेशन ऑफ द फ्यूल। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। और जो आपके चारकोल होते हैं आपने देखा है वो हीट जनरेट करता है, लाइट जनरेट करता है, क्योंकि कम्बशन तो उनमें भी होता है, कम्बशन की रिएक्शन तो हीट और जो लाइट प्रोड्यूस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो चारकोल में भी होती है, पर चारकोल का वेपराइजेशन नहीं हो रहा होता तो इसलिए उसमें फ्लेम जनरेट नहीं होता है। बच्चों देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और कैसे पूछा गया है पहले भी। देखिए एक बार प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विन बर्न विद अ फ्यूल। इन वाले ऑप्शंस में से कौन सा फॉसिल फ्यूल है जो बर्न करेगा विद अ फ्लेम, केरोसिन ऑयल, LPG, मोल्टन वैक्स और ऑल ऑफ दीज। मैंने ये जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करा है कि आपका जो कैंडल में वैक्स यूज होता है, साथ ही आपकी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड केरोसिन, ये अपने विक में से क्या करते हैं, फ्लेम जनरेट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज विल बर्न विद अ फ्लेम, तीनों में से ही फ्लेम जनरेट होगी। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारे कैंडल की फ्लेम के रीजंस हैं। ये स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखते हैं कि इस बार कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कैंडल की जब विक बर्न करती है तो कौन सा उसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, कौन सा मिडिल जो लास्ट पार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, गोल्ड इसमें जो सुनार होते हैं आपने उन्हें देखा भी होगा ब्लो करते हुए, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हुए इस फायर की फ्लेम से, तो वो कौन सा पार्ट यूज करते हैं कैंडल की विक का, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट जब आपके फ्लेम देखेंगे तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, जो सबसे ऊपर आ रहा है, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन, जहाँ पे आपके मोल्टन मैक्स का कम्बशन कम्प्लीटली हो रहा है। तो ये कौन से कलर का शो होता है, ब्लू कलर का, तो ये क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट, यही हमारी LPG के केस में होता है। आपने देखा है सबसे ऊपर की कवरिंग आपको कौन सी नजर आती है, ब्लू कलर की। उसके बाद आता है मॉडरेटली हॉट, मतलब कि
बहुत ज्यादा हॉट ना हो, क्योंकि मीडियम साइड, मीडियम में थोड़ा हॉट होता है, तो मिडिल जोन पार्शियल, यहाँ पर आपका जो फ्यूल है उसका पार्शियली कम्बशन हो रहा है, तो ये है आपका येलो कलर जोन। साथ ही आता है आपका लीस्ट हॉट, तो बिल्कुल हॉट नहीं होता, बिल्कुल कम होता है, दैट इज द इनर मोस्ट, जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है, वहां पर जो वेपर होते हैं वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहे होते, तो ये हमारा जो है लीस्ट हॉट होता है। आपने बच्चों बचपन में देखा भी होगा कि जब हम कैंडल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर हैंड लगाते हैं तो बहुत तेजी से जल जाता है, आप कुछ सेकंड भी वहां नहीं रख सकते, लेकिन बच्चे अपना हैंड या अपनी फिंगर मिडिल में से ऐसे ही निकाल देते हैं, क्यों? क्योंकि मिडिल पोर्शन जो है वहां पर पार्शियल कंबशन हो रहा है, जिसका आपको येलो कलर का फ्लेम नजर आता है। तो स्टूडेंट, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट? इट इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द कैंडल, दैट इज इन द ब्लू कलर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप। जब वो मेटेलिक ब्लो पाइप से फ्लेम यहाँ पर जनरेट करते हैं तो कौन सा पोर्शन वो यूज करते हैं? द आउटर मोस्ट जो है हमारा ब्लू कलर का, टू मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए वो जो सबसे ऊपर का पार्ट यूज करते हैं, दिस इज ऑफ द ब्लू कलर। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द डैश ऑफ द फ्लेम टू मेल्ट द सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करते वक्त वो कौन सा पोर्शन यूज करते हैं? मिडिल, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट या लीस्ट हॉट जोन? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? आउटर मोस्ट जोन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको जोन पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दूसरी तरह से आएगा वहां से कलर भी पूछ सकते हैं, तो आउटर मोस्ट का कलर ब्लू कलर का होता है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, आप अपनी ओएमआर शीट में ऑप्शन बी फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। ये स्टूडेंट इस बुक का और कह सकते हैं कंबशन चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या इसका मतलब होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम, जितनी हीट एनर्जी कोई भी फ्यूल 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न करने पर जितनी हीट निकालेगा वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कही जाएगी और उसे ही हम फ्यूल की एफिशिएंसी कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है बच्चों? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। आपको 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जब आप बर्न करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल रही है वही कहलाएगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन यूनिट इज कॉल्ड किलो जूल पर किलोग्राम। यहाँ पर जो कैलोरीफिक वैल्यू के लिए आप यूनिट यूज करेंगे वो है किलो जूल, क्योंकि बच्चों एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। और कितना किलो होने पर किलोग्राम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है? किलो जूल पर किलोग्राम। इसमें आपको बताइए है इसकी ऐसा यूनिट की कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो आप 1 किलोग्राम बर्न कर रहे हैं तो वो 1 किलोग्राम में कितनी किलो जूल एनर्जी दे रहा है, तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट कैसे बनी? किलो जूल पर किलोग्राम। आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, जब बहुत ही सिंपल पेपर आएगा तो आपकी डेफिनेशन आ सकती है और उसमें डैश करके ये पूछा जा सकता है कि ये क्या होती है, तो ये हो गई कैलोरीफिक वैल्यू। थोड़ा सा जब पेपर को घुमाएंगे तो ऐसा यूनिट भी पूछ सकते हैं। बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ दी गई है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल। यहाँ पर आपको कुछ फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है। देखिए जैसे काउ डंग केक जो होते हैं वो पर किलोग्राम बर्न कंप्लीट बर्न होने पर 6 to 8,000 फ्यूल एनर्जी लिब्रेट करते हैं। इसी तरह वुड का 17 to 22,000, कोल का 25 to 33,000, पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45,000, कैरोसिन ऑयल की भी, डीजल की भी 45, मीथेन सीएनजी एलपीजी की होती है 50,000 एंड बायोगैस की होती है आपकी 35 to 40,000 की हीट एनर्जी किलो जूल पर किलोग्राम लिब्रेट करते हैं। साथ ही हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है 1,50,000, क्योंकि आपने देखा हाइड्रोजन का बर्निंग कहाँ पर होता है? सन के अंदर। सन जो एनर्जी लिब्रेट करता है वो हाइड्रोजन जो वहां पर फ्यूजन होता है, हीलियम बनता है, तभी आपकी क्या होती है यहाँ पर इतनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की 1,50,000। ओके स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की किलोग्राम किलो जूल पर किलोग्राम वो किसकी आ रही है? हाइड्रोजन की। ठीक है, ये प्रोसेस आपको सन में होते हुए दिखता है, इसलिए सन इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है। तो देखिए क्वेश्चन है इसके लिए कैसे आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, किस सब्सटेंस की सबसे ज्यादा
कैलोरिफिक वैल्यू होगा, मीन्स कौन 1 किलोग्राम कंप्लीट बर्न करने पर कित एनर्जी निकालेगा, ठीक है। बायोगैस, मीथेन, हाइड्रोजन, पेट्रोल। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा 1,50,000 किसकी आ रही थी, हाइड्रोजन की, क्योंकि पेट्रोल की 50,000 थी, तो सबसे ज्यादा किसकी हुई यहाँ पर, हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आप अपनी ओएमआर शीट में ऑप्शन सी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सी है पर हाइड्रोजन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो कैसे आएगा, देखिए बच्चों मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराती हूँ। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न, एक एक्सपेरिमेंट में कितने फ्यूल को, 4.5 किलोग्राम फ्यूल को बर्न किया गया, एंड इट वाज प्रोड्यूस, उसने कितनी एनर्जी बनाई, 1,80,000 किलो जूल, इतनी एनर्जी वो लिबरेट करता है कितना बर्न होने पर, 4.5 किलोग्राम जब वो बर्न हुआ तो एनर्जी लिबरेट हुई कितनी, 1,80,000। तो कैलकुलेट इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, तो हमें इसकी मेजर करनी है कि क्या फ्यूल है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस बाय, कैसे आप निकालेंगे बच्चों, 4.5 का आपको पता है, आप यूनिटरी मेथड से 1 किलोग्राम की निकाल लेंगे क्योंकि हमसे 1 किलोग्राम की पूछी है। 4.5 किलोग्राम बर्न हुआ तो निकली 1,80,000। तो इसी तरह से 1 किलोग्राम के लिए कितनी आएगी, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये किसकी निकल के आ जाएगी, 1 किलोग्राम की। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आया, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 40,000 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्या निकल के आई कैलोरीफिक वैल्यू की, आप एसआई यूनिट जानते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर हुआ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट दे देंगे कि 5.5 बर्न होने पर या 2.5 बर्न होने पर इतनी वो एनर्जी लिबरेट करता है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो बच्चों ये 40,000 आ रहा है, तो इट मीन्स ये आपका कोई ना कोई, हमारा 40 किसका था, एलपीजी सीएनजी का 40-45 अराउंड था, तो ये इनमें से ही कोई सा फ्यूल है, इस तरह से आपसे वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको वो चार्ट भी लर्न करना है कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। चलिए लास्ट में मैं आपको देती हूँ बर्निंग क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। स्टूडेंट आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अभी मेरा ये पार्ट 3 था जिसमें मैं आपको कंबशन के बारे में पढ़ाया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंबशन के बारे में बताया था, सेकंड में मैंने आपको रैपिड और स्पॉन्टेनियस कंबशन बताया था, आज मैंने आपको फ्लेम के बारे में और कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आप सारी वीडियोस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आता है तो आप अनलाइक करिए, और जो भी फीडबैक आप देंगे वो काफी वैल्यूएबल होगा, हम उसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप ये कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि आपका क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 2 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न किया गया, जो उसने हीट लिबरेट करी वो है 80,000 किलो जूल, तो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। आपको इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है और आप फ्यूल भी बता सकते हैं कि वो कौन सा है। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए, फिर बोलूंगी नई वीडियो में। स्टूडेंट अगर आपको सैनिक स्कूल के लिए कंप्लीट कोर्स अवेल करना है, और जिस तरह से जैसे मैं कंबशन पढ़ा रही हूँ ऐसे ही पूरे चैप्टर्स पूरे सिलेबस को वीडियो से पढ़ना है, तो आज ही हमारी ऐप पर जाके इसको इंस्टॉल कीजिए। कोई भी कंसेप्ट बेस्ड वीडियो के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको फिर इस तरह के क्वेश्चंस की क्विजेस मिलेंगी, मिक्स क्विज मिलेगी, सैंपल पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, और आपको कोर्स अवेल करने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, आप हमारा पेनड्राइव कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, किसी भी तरह के डाउट के लिए आप हमें 24/7 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।